हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं अंजू मलिक। आज मैं आपके साथ राइस फेस मास्क की वीडियो शेयर कर रही हूं। और जो ये फेस मास्क है ना, इसमें सिर्फ कुछ चीज़ ऐड करनी हो, इसका जो रिज़ल्ट है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। और इससे हमारी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, पिम्पल्स के जो निशान रहते हैं ना, वो भी हल्के हो जाएंगे, डार्क सर्कल हमारे रिमूव हो जाएंगे। अगर इसको हम हफ्ते में एक बार यूज़ करते हैं ना, तो आप इसका रिज़ल्ट एक महीने में देख लेना। तो चलो हम बनाते हैं इस पैक को। तो देखो, ये मैंने क्या लिए हैं, बॉल चावल लिए हैं। जब भी आपके घर में चावल बने, आप उसमें से 2 चम्मच चावल ले लीजिए। फिर उसमें हमें मिलाना है पाउडर का, जो दूध होता है ना, मिल्क पाउडर, वो ऐड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आप मिल्क ले लें। और इसके बाद लेंगे हम हनी। हनी में क्या है, हनी है ना, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है, बहुत अच्छी, मतलब सॉफ्ट हो जाती है। फिर लेंगे हम गुलाब जल, इसमें गुलाब जल ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा पेस्ट अच्छा बन जाए। फिर थोड़ा सा लेंगे हम इसमें एलोवेरा जेल। अगर ये आपके पास घर का है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मार्केट का ले सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम मिक्सी में पीस लेंगे, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो मैं इसको पीस के बताती हूँ। तो देखो, इस तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ गई है, जैसे हम कोई क्रीम लगाते हैं ना, उस तरीके से ये आ गई है। तो इसको क्या करना है, अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है, पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको अपने फेस पे लगाएंगे। तो इसकी मसाज करनी है, पहले हमें 5 मिनट के लिए मसाज करनी है। 5 मिनट के बाद इसको यूँ ही छोड़ देना है, फिर इसको 5 मिनट बाद धोना है इसको। तो इसमें क्या, हमारी मसाज भी हो जाएगी और फेस पैक भी हो जाएगा। इससे हमारे जो रिज़ल्ट है ना, बहुत ज़्यादा ऑसम रिज़ल्ट आया। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप भी कहोगे कि हाँ, कितनी अच्छी चीज़ बताई है। तो मैं इसको सुखा कर आती हूँ। तो देखो, ये मैंने अपने कॉटन के कोई कपड़े, आपके पास कोई कॉटन कपड़ा, उससे साफ़ कर लें। तो देखो, इस तरीके से मेरा देखो फेस कितना ग्लोई हो गया है एक बार के यूज़ से। मतलब 10 मिनट में भी हम इस फेस मास्क के अपनी स्किन को ग्लोई बना सकते हैं। अगर आप कहीं पार्टी में, शादी पार्टी में जा रहे हो, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और फिर इसके बाद हम कोई भी फेस मास्क लगाते हैं या कोई भी मसाज करते हैं, तो अपनी स्किन को खाली ना छोड़ें, या तो टोनर लगा लें या गुलाब जल अपने फेस पर लगा लें, जिससे क्या वो ग्लो बना रहे। तो मैं गुड वेब्स का टोनर है, इसको यूज़ कर लूँगी इस तरीके से। तब तब आ